अब देखिए ये नॉर्थ से लेकर और ईस्ट तक ढलान होना चाहिए, अच्छा ही अच्छा होता है। यही ढलान साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक हो तो ये बैड है। बैड के अलग अलग नाम है। बैड का एक नाम है साउथ ईस्ट में शोक होता है, साउथ में मृत्यु है, साउथ वेस्ट में डर है, वेस्ट में कलह है और नॉर्थ वेस्ट में फिर मृत्यु। मृत्यु इन द सेंस मृत्यु सम कष्ट होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वास्तु पर 14वां वीडियो है। वास्तु सीखना अब आपके लिए बहुत आसान है। आप इसी वीडियो को फॉलो करते चलिए। जितने भी वीडियो मैं देता हूं आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ के ही दिया हुआ, ठीक है। इसी वीडियो को आप फॉलो करते चलिए, इसको देखते चलिए। एक दो मिनट चार मिनट देखेंगे उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपनी होती है, अनुभव की होती है। वहां से आपको कुछ अलग मिलता है, फिर आपकी भी बात उसमें मिलती है तो कुछ अलग पैदा होता है। इसमें जो भी आपके संशय हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल दो, उसका जवाब या तो मैं आगे वीडियो में दे दूंगा या मैं कमेंट में ही दे दूंगा। वहां तक देखा जहां तक हमें ये नॉलेज आ गई कि भूमि में इस दिशा में ढलान होना चाहिए और इस दिशा में ढलान नहीं होना चाहिए। अब उस दिशा के ढलान से होता क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस दिशा के ढलान से होता क्या है, उसको हम डिटेल में जाएंगे। आठों दिशाओं के ढलान में क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या अच्छाई होगी, उसके डिटेलिंग में आज हम जाएंगे। पहला है नॉर्थ का ढलान। नॉर्थ में अगर ढलान हो तो प्लॉट में क्या क्या होता है, प्लॉट कैसा होता है। पहली बात तो ये प्लॉट बहुत ही अच्छा, नॉर्थ की तरफ अगर प्लॉट नीचा हो या आपने नॉर्थ की तरफ नीचा कर रखा है तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा क्या क्या होता है, ऐसे घरों में धन आगमन, वंश वृद्धि हमेशा ही अच्छी चलती रहती है। ऐसे घरों में सौभाग्य में वृद्धि हमेशा ही रहती है। यहां पर वास करने वाले लोगों में काम की कभी कमी नहीं होती, इनके बातों में वजन होता है, इनकी बातें मान्य होती है, एक मैग्नेट रहता है इनके अंदर, इनके ओरा में। इनके ओरा में आपको दिखेगा, जहां पर भी आप देख लेना, नॉर्थ खुले हुए मकान में जिनका नॉर्थ खुला हुआ भी हो, ढलान तो अपने आप ही हो जाएगा अगर खुला हुआ है तो, क्योंकि जो हमने ढाल की बात पिछले सेशन में पढ़ा था कि अगर खुला छोड़ेंगे तो वहां पर ढाल अपने आप चला जाएगा, ढाल चला जाएगा। जहां पर कंस्ट्रक्टेड रखेंगे वहां ऊंचा चला जाता है, तो वहां पर ढाल तो अपने आप ही हो जाएगा। नॉर्थ खुला भी हो, जहां ढलान हो, ऐसे लोगों में, ऐसे घर में वास करने वाले लोगों में एक अलग से उनका, उनके ओरा में मैग्नेटिज्म होती है, चुंबकत्व होता है इनके ओरा में। तो नॉर्थ ढलान वाली भूमि बहुत अच्छी होती है। आगे चलते हैं, पहले हम चारों दिशाओं का ले लेते हैं, मेन दिशाएं, फिर चारों कोने वाली दिशाएं लेंगे। आठों दिशाओं में ढलान वाली भूमि कैसी होती है वो हम इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उपाय भी देखेंगे, कहीं पर ढलान नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। दूसरी दिशा है इसमें पूर्व की तरफ ढलान। इसके बारे में जो एक सर्किल दिखाया था मैंने, उसमें लिखा था लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वो प्लॉट जिसमें पूर्व की तरफ ढलान हो, ऐसे जगह पर वास करने वाले लोगों में स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा होता है, पूरे फैमिली में स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। अननेसेसरी जो पेन होता रहता है ना, जैसे वेस्ट की तरफ जो भूमि ढलान होती है ना, अननेसेसरी पेन होता रहता है, अननेसेसरी पेन ना दिमाग में ना शरीर में कहीं नहीं रहता है, स्वास्थ्य इनका अच्छे से अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है। इनका सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, राजनीति में भी इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है, अगर ये खुद राजनीति में शामिल नहीं भी होते, जान पहचान इनकी बहुत अच्छी होती है यहां रहने वाले लोग। ऐसे लोग टाइम के बड़े पाबंद होते हैं और टाइम की महत्व को समझते हुए सारा काम करते हैं, ये पंक्चुअल होते हैं, टाइम इनका अच्छा चल रहा होता है, टाइम को ये अच्छा चला रहे होते हैं। क्योंकि ईस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी का संचार होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ईस्ट से, पहले हम पढ़ चुके हैं कि सन इधर है तो ईस्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है। यहां रहने वाले लोगों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा दिखेगी आपको,
मतलब एक अलग एनर्जी एनर्जेटिक लोग होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग ऐसा कैसे हैं, थकते नहीं है, अपना काम पूरे टाइम पे करते हैं। जहां पर ईस्ट की ढाल हो वहां पर ईस्ट खुला भी रहेगा, ये दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा, वहां पर ईस्ट खुला भी रहेगा। तीसरे में है दक्षिण की ढाल, एक प्लॉट है, इसमें दक्षिण की तरफ ढाल है, जो मृत्यु सम कष्ट जो लिखा हुआ था ना पीछे, इस वजह से लिखा हुआ था क्योंकि ऐसी जगह पर वास करने वाले लोगों में अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, नींद ठीक से नहीं आती। आपके जीवन में सबसे बड़ा सुख का स्रोत आपकी नींद है, अगर वो ना हो तो आप विक्षिप्त हो जाते हैं, पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं। लोग ऐसे जगह पे वास करने वाले लोग विक्षिप्त होते हैं, वो पागलपन की रेखा से थोड़े ही नीचे तक होते हैं, आपको काए कले खटपट लगा ही रहता है। इनकी बदनामी इनके साथ ही चलती है, आपको लगेगा कि कोई ना कोई बदनामी इनके साथ ही चलती है, कर्ज इनके ऊपर बना ही रहता है। साउथ ढलान वाली भूमि पर वास करने वाले लोगों में एक सुख भंग योग होता है ज्योतिष में, वो बना ही रहता है इनके पास, अपयश योग लगा ही रहता है इनका। ये तो हो गया साउथ का। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ढलान वाली भूमि। देखिए पश्चिम ढलान वाली भूमि में इधर की तरफ ढलान होगी, पश्चिम ढलान वाली भूमि में पहले भी हमने जैसे पढ़ा वो जो सर्किल में था, शास्त्रों के अनुसार से ये कलह कारक भूमि होती है। ऐसी जमी भूमि पर वास करने वाले लोगों में मन वांछित फल कभी नहीं मिल पाता। ये लोग काम शुरू करेंगे, काम क्या कर रहे हैं उसका फल क्या आएगा इनको पता ही नहीं रहता। ज्योतिष में जाएंगे तो एक लाभ भंग योग आता है, वो इस पूरे परिवार पे लगा ही रहता है। ये जितना काम करेंगे उसका इनको मिल क्या रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। यहां वास करने वाले लोगों में धन और ज्ञान दोनों का नाश होता है, जो भी प्राप्त हुआ, अगर कुछ और स्टार्स अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, कुछ प्राप्त हो भी गया तो प्राप्ति को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब हम आगे चलते हैं कोने वाली ढलान पे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट।